what puts me off here is this, कि जिस पुलिस ने आपकी मदद करनी है जब कोई बदमाश आपकी प्रॉपर्टी पे आ जाए वही पुलिस उनको कब्जा कराती है. अच्छा ठीक है, मैं ऐसे जो से एक्सपेक्ट नहीं करती क्योंकि उसका लेवल और है, बट आपका सीएसएस किया वो ऑफिसर इस मुल्क का जब करप्ट हो जाएगा, एक एसपी लेवल का आदमी जब करप्ट हो जाएगा तो फिर मैं किसके पास जाऊंगी? ये लोग सीएसएस करके आते हैं, इनकी अंदर थोड़ी सी भी इनके अंदर मॉरल्स नहीं है, एथिक्स नहीं है, ये लोग इंटेलेक्चुअली करप्ट हैं. इस मुल्क का सीएसएस किया वो ऑफिसर इंटेलेक्चुअली करप्ट है. मेरा प्राइम मिनिस्टर अच्छा भी होगा तो क्या करेगा जब यहाँ का जो ब्यूरोक्रेट है वो करप्ट हो गया है. इट्स नॉट द पॉलिटिशियंस अलोन, पॉलिटिशियंस अलोन अलोन कैन नॉट डू एनीथिंग अनलेस अंटिल आपका ब्यूरोक्रेट उनके साथ शामिल हो जाए. इस मुल्क का जो हाल हुआ है उसमें पॉलिटिशियंस के साथ ब्यूरोक्रेट्स इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं. मेरी पुलिस पे बदमाश ने कब्जा नहीं किया, पुलिस ने बदमाश के साथ मिलके कब्जा कराया और एसपी ने कराया. द एसपी न्यू कि प्रॉपर्टी पे स्टे है, द एसपी न्यू कि 9 महीने पहले एक और एसपी ने इस जगह पे कब्जा वागुजार कराया. इवन देन एसपी मुझे कहते अच्छा नहीं आप स्टे लेके आए, स्टे की फ्रेश कॉपी लेके आए. अतीफी भट्ट को कहते जल्दी जल्दी तुम दीवार बनाओ, दीवार को पानी लगाओ. मुझे सिर्फ ये बताएं, ये अतीफी भट्ट गोगी भट्ट ग्रुप आप सिर्फ गूगल कर लें, ही इज अ नोटोरियस लैंड ग्रैबर, ही इज अ गैंगस्टर. मैं चीफ जस्टिस से अपील करती हूँ, अगर आपने मंशा बम को पकड़ा है, अगर आपने खोखर ब्रदर्स पे एक्शन लिया तो खुदा के लिए लाहौर को फ्री करें इन गैंगस्टर से ताकि हम लोग भी सांस ले सकें. किसी बंदे के घर डकैती होती है, चोरी होती है, कुछ माल जाता है, जब जिसकी जमीन चली जाती है उसका सब कुछ चला जाता है, हमारी ब्रेड एंड बटर चली गई है. तो प्लीज़ खुदा के लिए, मैं इन मैन इन यूनिफॉर्म हु अब्यूज देयर पावर एंड अथॉरिटी, इनके पास पावर है, इनके पास अथॉरिटी है, इनके पास प्रेस्टीजियस ऑफिसेज हैं. आप डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस जाएं, कितने बड़े बड़े इनके ऑफिसेज हैं और इनके अंदर इतनी सी भी इंसानियत नहीं है. देर इनसेंसिटिव क्योंकि हम लोग कीड़े मकौड़े हैं ना, कीड़े मकौड़ों की तरह ट्रीट करो. क्यों अब मुझे अफसोस होता है, मुझे एमबीए नहीं करना चाहिए था, मुझे तो सीएसएस करना चाहिए था. अपनी प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट करने के लिए आपको सीएसएस करना चाहिए. किस सीसीपीओ की प्रॉपर्टी पे कब्जा होता है, किस आईजी की प्रॉपर्टी पे कब्जा होता है? नहीं, प्रॉपर्टी पे कब्जा होता है एक आम इंसान की. देखें जी, आप एक आम इंसान है, आपकी प्रॉपर्टी इतनी महंगी हो गई है ये तो आपके साथ सजती नहीं है. किसी बड़े बदमाश के साथ आपकी प्रॉपर्टी सजती है जो लैंड क्रूजर्स में और हाइलक्स में और वीगो में घूमते हैं, उनकी होनी चाहिए महंगी प्रॉपर्टी, काम इंसान की नहीं हो सकती. तो चलें जी पुलिस को साथ मिलाएं और कब्जा कर लें. मुझे आईजी पंजाब बताएं, इट्स बीन 2 मंथ्स मैंने सिटीजन पोर्टल पे एप्लीकेशन लॉन्च की है, उसके ऊपर ट्रैक आता है कि आईजी को फॉरवर्ड हुई है. इट्स बीन 2 मंथ्स नोबडी इज कॉन्टेक्टेड मी. और जब मैं खुद पर्सनली जाके फॉलो अप करती हूँ तो द एसएसपी लेवल का बंदा मेक्स यू सेट फॉर 4 to 5 आवर्स एंड दे डोंट लिसन टू यू. क्यों क्यों वो मेरी बात सुनेगा? उसका दरवाजा खोलने के लिए भी एक बंदा है, उसकी चाय बनाने के लिए भी एक बंदा है, उसके बच्चे को स्कूल से पिक करने के लिए भी एक बंदा है. वो तो बादशाह है, उसको तो तकलीफ नहीं है. और जब उसको पर्सनल कोई तकलीफ होगी तो वो अपनी पावर और अथॉरिटी अपनी पर्सनल तकलीफ के लिए जरूर यूज करेगा, मेरी तकलीफ के लिए नहीं करेगा. आपने यहां पर एप्लीकेशन जमा कराई? यस, मैंने इधर 2 हफ्ते हो गए एप्लीकेशन जमा कराई है. कैन यू इमेजिन, सीसीपीओ अमीन वैस मेरे से नजर नहीं मिला पाते थे, उनको मेरी प्रॉपर्टी के कब्जे की एक एक डिटेल पता थी. उन्हीं का सेक्रेटरी मुझे कहता है बीबी ये 4C चली जाए, इधर कुछ नहीं होना. यस आई वॉन्ट टू टेक द नेम ऑफ शाहीन बट हेयर इज वेल. मुझे जिसने जिस जिस दरवाजे का बताया मैं उस दरवाजे पे गई हूँ. अनदर रिपोर्टर टोल्ड मी बीबी OPC में जाए, शाहीन बट बड़े अच्छे बंदे. मुझे थोड़ी देर बाद पता चलता ओ शाहीन बट ही इज फ्रेंड्स विद दीफी बट सो द इन एक्शन शाहीन बट हमारी बात पूरी सुनता है. बट नो, जब दीफी बट की बीवी मरती है तो उसके अफसोस करने वो गया होता है. फिर मुझे पता चल दो वो तो फ्रेंड्स हैं, वो क्यों मेरी हेल्प करेगा? और आप यहाँ पे देखें, यहाँ का जो लैंड माफिया है ना, वो अकेला ऑपरेट कर ही नहीं सकता, इट्स इंटीग्रेटेड इनटू द सिस्टम. उनके आपके इदारों में लोग काम करते हैं, आपकी पुलिस में माफिया के लोग काम करते हैं, आपके रेवेन्यू में माफिया के लिए लोग काम करते हैं और आपके LDA में माफिया के लिए लोग काम करते हैं. ये अकेले नहीं ऑपरेट करते. जब आपका ब्यूरोक्रेट, जब आपका अफसर, जब आपका पढ़ा लिखा अफसर उनके साथ मिलता है और करप्ट होता है फिर आपके साथ ही होता है. अच्छा, यहाँ जो आपने एप्लीकेशन जमा कराई उसके ऊपर भी आपको
Not yet. We call on the number that's been given to us. कि जी क्या follow up है? जी आपको 10 days में बताएंगे, आपको 15 days में बताएंगे, फिर शायद call आए. मेरी सिर्फ appeal ये, I don't know कि जो next chief justice है वो कितना active होगा आम लोगों को relief देने में. इनके बारे में already एक repute बन चुकी है कि नहीं आम लोगों की बात सुनते हैं. अब मुझे डर है कि अब मेरा chief justice ये बुला चला जाएगा तो नए आने वाले में इतना नहीं मेरी बात सुननी है नहीं सुननी. हम जैसे आम लोग सड़कों पे जलील होते हैं और बदमाश अपने घरों में बैठ के ऑपरेट करते हैं. आपका एसपी लेवल तक का बंदा उसको कॉल करता है कि भाईजान आपका एफआईआर में नाम दे ना दे. मेरे पे जिस दिन मेरा कब्जा छीनता है एसपी उस दिन ऐसे चाहो मेरे पे एफआईआर भी दे देता है झूठी. यहाँ पे एफआईआर झूठी और आम आदमी और मासूम बंदे पे होती है, करप्ट पे नहीं होती, क्रिमिनल पे नहीं होती. एंड आई रियली डोंट नो हाउ मेनी इयर्स इट इज गोइंग टू टेक इमरान खान कि वो इस पुलिस को ठीक करें, क्योंकि बहुत सारे इस पुलिस में क्रिमिनल्स हैं, द क्रिमिनल्स इन यूनिफॉर्म. और जो क्रिमिनल नहीं भी है तो वो बहुत इनसेंसिटिव है, उसके अंदर इतना सा भी रहम नहीं है. थैंक यू.